पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ से वंचित और जो आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग या जो पहले से पंजीकृत है उनका जो है कोई समस्या है या अन्य जो है जानकारी जो है कमी है, तो जो है योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार खास तौर से मुख्यमंत्री जो है सीएम जो है आदित्यनाथ जो है योगी द्वारा जो है श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा कवायद जो है शुरू हो गई है, तो पूरे प्रदेश में जो है जो भी वंचित है किसान उनको जो है सूची तैयार करने का प्रयास जो है हर घर जाकर के टीम करेगी। तो यहाँ पर जो है लखनऊ से जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो है यहाँ पर जिला अधिकारी को भी निर्देश किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो मुख्य सचिव जो है दुर्गा शंकर मिश्र जो है सूचित किए हैं सभी जिला अधिकारी पर, और जो है वहाँ से जो है यहाँ पर जो है घर घर जा कर के तारीख है 22 मई से 10 जून तक अभियान चलेगा ताकि सभी किसानों को लाभ मिल सके, कोई भी वंचित ना रहे। तो इसके लिए जो है वरिष्ठ अधिकारी भी जो है मौजूद रहेंगे ग्राम पंचायत स्तर पर, और जो है 14वीं किस्त जिसको लेनी है उनको KYC करना ज़रूरी हो गया है। तो और भी चीज़ों की जानकारी जो है पाने के लिए फ्रेंड्स जो है चलिए मैं शुरू से जो है बता रहा हूँ। और ये जो है नोटिस है किसान सम्मान निधि का जो है यहाँ पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे क्या क्या जो है क्या क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, तो ख़ास तौर से आधार कार्ड, खेत का जो है कागज जिसमें आपका नाम है, और जो है बैंक पासबुक और आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी जो है साथ साथ जो है लेना है। और साथ कवायद है कि 14वीं किस्त के लिए जो है KYC भी अनिवार्य हो गया है। तो ये जो है विशेष जो है प्रदेश के जो है 100% जो है अन्नदाताओं को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है लाभ मिले, इसके लिए जो है योगी सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी जो है 22 से बताए हैं 22 मई से जो है 10 जून तक जो है चलेगा, और इसमें जो है लोगों की समस्याओं, कृषकों की समस्याओं की जो है बातें होगी। इससे पहले ही 20 जो है मई तक सरकार के नुमाइंदे घर घर जो है जाकर ऐसे कृषकों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं जो विभिन्न कारणों से जो है इसका लाभ जो है नहीं ले रहे, वंचित है। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना मिलता है, सीधे राशि खाते में जो है आ जाती है, भेजी जाती है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जो है सीधे सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को जो है मंडला आयुक्तों और जो है जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है निर्देश दिए हैं कि बचे हुए पात्र किसानों को लाभ देने के लिए ग्राम स्तर से जो है क्या किया जाएगा, पंचायत पर जो है पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान जो है चलाया जाए। बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक जो है ओपन सोर्स से आवेदन नहीं किया है, प्रत्येक जो है अलावा इसके अलावा जो है कृषक भी हैं जिन्होंने ओपन सोर्स के तहत आवेदन तो किया है मगर आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है। जिन कृषकों का भूलेख अपडेट नहीं हुआ है उन्हें भी की किस्तें प्राप्त नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर दिया है 14वीं किस्त के लिए KYC अनिवार्य है, तो यह ग्राम पंचायत पर सेक्रेटरी, पोस्ट ऑफिस, सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर और भी जो है लोग प्रतिनिधि जुटे रहेंगे और ग्राम पंचायत पर KYC होगी। और इसके लिए जो है वरिष्ठ अफसर जो है ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे 14वीं किस्त जिसको लेना है
यानी अब तक मिल गया है, लेकिन 14वीं किस्त जब जारी होगा तो उसके लिए केवाईसी जो है, यानी केवाईसी नो योर कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राहक अपने आप को जाने, ये जो है करना ज़रूरी है। जैसे कि अप्रैल महीने से जो है केवाईसी हुआ था और पेंशन धारियों का भी हुआ था, तो केवाईसी भी करना ज़रूरी है। जैसा कि दिया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत, अब तक 13वीं किस्तों का जो है वितरण पूरा कर लिया गया है, अब 14वीं किस्त के लिए ई केवाईसी, ठीक है, यानी ऑनलाइन ही होगा। ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है, निर्धारित एवं यहाँ पर आवश्यक जो औपचारिकताओं के कारण किसानों को मिली किसी भी प्रकार की दुविधा न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें पुराने पंजीकृत किसानों के प्रकरणों और नई जो है यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, इन कृषकों को जोड़ने के लिए जो है अभियान चलेगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर सोमवार से शुक्रवार, समझ लीजिए सोमवार से शुक्रवार जो है सुबह में 9 बजे शाम को 6 बजे तक पूरे प्रदेश में, यानी पूरा उत्तर प्रदेश में जो है क्या होगा, पूरा उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि जो लाभ है, पंजीकृत लाभार्थी है, संतृप्तिकरण अभियान जो चलाया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान रहेंगे, यानी गांव का प्रधान रहेगा, ग्राम जो है विकास अधिकारी रहेंगे यानी सेक्रेटरी और पंचायत सेक्रेटरी और विकास अधिकारी, लेखपाल, तकनीकी सहायक जो कृषि का है वो, और कॉमन सर्विस सेंटर भी रहेगा, पोस्ट ऑफिस के जो है प्रतिनिधि भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे, जिसकी वाईसी जो है इतना सारा होगा और दौड़ा होगा। थैंक यू।